जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी बिजनेस को आगे ले जाने में, ग्रो करने में क्या होता है, बिजनेस कार्ड बहुत ही ज़्यादा योगदान निभाता है। क्या करता है वो, कस्टमर को है जो जोड़ने का काम करता है। जैसे किसी को आप बिजनेस कार्ड दे दीजिए तो वो है जो कस्टमर को जोड़ेगा, ठीक, एक कस्टमर से दूसरे कस्टमर को। जय हिंद, मैं सुजीत, आपके अपने YouTube चैनल कंप्यूटर वाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार से बिजनेस कार्ड बनाया जाता है, वो भी मुफ्त में। अब बिना फोटोशॉप को हम लोग बनाएंगे बिजनेस कार्ड। जो बिजनेस क्या होता है, आपस में है जो कस्टमर को जोड़ता है। जैसे आपको ये बिजनेस कार्ड दिखाई देता होगा, यहाँ पे और यहाँ पे, ये दोनों बिजनेस कार्ड है जो हम लोग बनाएंगे। और इससे रिलेटेड और भी आप बना सकते हैं, आपको है जो उससे रिलेटेड किस प्रकार से बनाया जाता है, मेन बेस आपको हम बता देंगे, जिससे रिलेटेड आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं। तो चलिए, इसमें हम लोग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए, इसके लिए हम लोग गूगल क्रोम पे आ जाएंगे और लिखेंगे यहाँ पे canva.com। canva.com लिखने के बाद यहाँ पे इंटर प्रेस करेंगे। देखिए, लॉगिन अगर आपको कहेगा जीमेल आईडी से लॉगिन करने के लिए, तो आप क्या कीजिएगा, उस वक्त लॉगिन कर लीजिएगा। तो ये होम पेज इस प्रकार से होम पेज आ जाएगा। होम पेज पे आने के बाद यहाँ देखिए डिजाइन स्पॉटलाइट, तो ये है, इस पर लाएंगे कर्सर, देखिए होवर करेंगे इस पर, मतलब होवर बोले तो ला के रखना है, क्लिक नहीं करना है। उसके बाद कहाँ जाना है, बिजनेस कार्ड पे। देखिए बिजनेस कार्ड पे हम लोग आ गए, और बिजनेस कार्ड पे आने के बाद इसको नीचे स्क्रॉल कीजिएगा। तो स्क्रॉल करने के बाद जैसा कि आप देखिए, और स्क्रॉल करके नीचे, अब देखिए यहाँ पे है जो बिजनेस कार्ड के लिए ये बना हुआ है, ठीक। तो इसमें जो कैप वाला देखिए, ये है जो प्रोफेशनल है। अब देखिए इसमें जैसा कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये प्रोफेशनल है, ठीक, ये प्रो है, प्रोफेशनल है। ये है जो विदाउट पे है, ठीक, ये है जो विदाउट पे है, ये हम बना सकते हैं। और देखिए इसमें और नीचे आएंगे, ये इतना है जो दिया हुआ है, ठीक। ऑल ब्राउजर टेम्पलेट यहाँ करेंगे तो और आएगा, ठीक। तो इस प्रकार से यहाँ से हम देख सकते हैं जितना भी टेम्पलेट है, सभी टेम्पलेट, सभी का सभी बिजनेस कार्ड के लिए। बट यहाँ बिजनेस कार्ड नहीं है, देखिए ये और अदर आ गया। हम यहाँ से नहीं, यहाँ से आते फिर से और यहाँ कार्ड पे आ जाते हैं, बिजनेस कार्ड पे, और आने के बाद फिर से इसमें है। अब बाय द वे हम एक टेम्पलेट के इसमें क्या करते हैं, यूज, ये टेम्पलेट का यूज करते हैं ये। चलिए यहाँ पे हम क्लिक किए, और क्लिक करने के बाद है जो ये इसका टेम्पलेट का ये आ गया एडिट करने के लिए, ठीक। तो ये एडिट करने के लिए तो आ गया। अब इसमें करना क्या, यहाँ पे लोगो लगाना है, बिजनेस लोगो और बिजनेस का नाम वगैरह। चलिए यहाँ पे हम इसको क्या करते, पहले इसको डिलीट कर दे, क्लिक किए डिलीट पे कीजिए या डिलीट बटन प्रेस कीजिए, हो जाएगा। इसको भी डिलीट कर देते, लोगो है इसको भी क्या करते हैं, डिलीट कर दिए। अब यहाँ पे है तो यहाँ पे जैसे अपना बिजनेस का लिख देते computerwala.com। चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं कंप्यूटर, आपका जो बिजनेस है उसका नाम लिखिए, ठीक, हो गया कंप्यूटर वाला। और उसके बाद इसको हम यहाँ से बड़ा, इसको देखिए ये नीचे है हल्का, इसको है ना पकड़ के और चौड़ा थोड़ा करना होगा, ये इसको पकड़ के चौड़ा करना होगा, हो गया। अब इसको कंट्रोल बी से थोड़ा बोल्ट कर दीजिए, नहीं तो कंट्रोल बी, नहीं तो यहाँ से भी कर सकते, इस प्रकार से हो गया। और यहाँ से देखिए यहाँ पे मार्केटिंग, तो मार्केटिंग के जगह पे हम मार्केटिंग नहीं, यहाँ पे हम दूसरा चीज़ लिख सकते हैं, मार्केटिंग भी आप लिख सकते हैं, मार्केटिंग मैनेजमेंट। हम यहाँ पे लिखते हैं हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ठीक, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। चलिए हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर हो गया, और इसको थोड़ा चौड़ा देखिए, यहाँ से इसको थोड़ा जूमिंग करके हम देख सकते हैं। इस पर क्लिक करके इसको बीच में लाना है, पहले हल्का इसको लेफ्ट कर दिए और इसको हल्का राइट कर दिए, इस प्रकार से यहाँ पे हो गया। इसको देखिए हल्का अगर बड़ा भी करना है तो कंट्रोल यहाँ इस पर है, यहाँ पर आए, इस पर आए, और यहाँ से हल्का बड़ा भी कर दिए। इसको थोड़ा चौड़ा करना है तो इस प्रकार से चौड़ा हो गया, ये तो हो गया। अब यहाँ पे देखिए मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर आपको देना है तो मोबाइल नंबर दे दीजिए। जैसे मोबाइल नंबर दे देते हैं +91, ये इंडिया का कोड हो गया, ठीक है। और उसके बाद जो मोबाइल नंबर है ये हो गया, और एक देना है तो दीजिए, ठीक, नहीं तो एक ही रखना है तो एक ही रहने दीजिए, या फिर एक और आपको देना है तो यहाँ पे एक और दे दीजिए, ठीक, ये हो गया, ठीक। और इस प्रकार से हो गया। अब इसमें है जो आपको वेबसाइट का, जो वेबसाइट नाम है वो दे दीजिए और नीचे ईमेल दे दीजिए। तो वेबसाइट हो गया जैसे मेरा www.computer
कंप्यूटर वाला डॉट कॉम, ये हो गया। और यहाँ पे है जो ईमेल, तो यहाँ पे ईमेल दे देते हैं हेल्प एट द रेट कंप्यूटर वाला डॉट कॉम, ये हो गया जो मेरा ईमेल हो गया। यहाँ से लोकेशन दे दीजिए, तो यहाँ पे लोकेशन हम दे देते हैं, चलिए लोकेशन यहाँ पे दे देते हैं हम, तो यहाँ पे लोकेशन हम लिख सकते हैं नियर नियर हाई स्कूल आवापुर, और उसके बाद इंटर मार के नीचे आ गए, उसके बाद सीतामढ़ी बिहार। चलिए बिहार हो गया, बिहार अगर पुपरी जैसे पुलिस स्टेशन पुपरी, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं पुपरी, और उसके बाद ये हो गया। तो ये तो मेरा इधर का डिजाइनिंग तैयार हो गया। अब यहाँ पे हमको लोगो चेंज करना है, यहाँ पे लोगो चेंज तो है ही, इसको लाना है। तो यहाँ से अपलोड फाइल पे जाइएगा, और जाने के बाद जो लोगो आपको लेना हो, तो हमको ये लेना है, तो यहाँ से ये ले आए, और इस प्रकार से यहाँ अरेंज कर लिए। यहाँ थोड़ा हम छोटा करके देख लेते हैं। चलिए कार्ड मेरा रेडी हो चुका है, एक कार्ड हो चुका है। और पीछे बैक साइड, जैसे बैक साइड में आप देना चाहते हैं, तो बैक साइड में इसका लोगो ये हटा दिए, और ये भी हटा दिए, और ये भी हटा दिए, और यहाँ से लेके इसको हम रख दिए। तो यहाँ तो ये बन गया, देखिए इस प्रकार से ये मेरा बिजनेस कार्ड है जो बन गया। इसमें और अगर आपको कुछ लिखना है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर कुछ लिखना है, तो देखिए टेक्स्ट पे आइएगा, और इसमें से जो आपको लेना है उस प्रकार से ले लीजिएगा, और यहाँ पे लिख दीजिएगा। तो पहला मेरा ये कार्ड है जो बन चुका है, इसको यहाँ पे आइए शेयर पे, और नीचे यहाँ पे डाउनलोड पे, और ये है जो डाउनलोड आपका कार्ड, इस प्रकार से यहाँ से हम लोग डाउनलोड कर लेंगे। तो ये डाउनलोड हो रहा है, तो ये डाउनलोड हो चुका है इस प्रकार से। यहाँ से आप ओपन करके, और इसको है जो कार्ड को इस प्रकार से आप देख सकते हैं। यहाँ से देखिए कार्ड है जो मेरा बन चुका है। तो एक तो ये हो गया, और देखिए और बनाना है। जैसे फिर से हम आते हैं, इसमें होम पे आ जाते हैं, इसको हटा देते हैं, और होम पे आए, और उसके बाद होम पे आने के बाद बिजनेस कार्ड पे आए, और यहाँ पे बिजनेस कार्ड नीचे था। चलिए फिर से आते हैं होम, बैक एंड होम, और उसके बाद बैक एंड होम पे आने के बाद देखिए बिजनेस कार्ड पे आ जाएंगे। और बिजनेस कार्ड पे आने के बाद है जो नीचे आएंगे, फिर से देखिए फिर से नीचे आएंगे थोड़ा और स्क्रॉल करके। अगर बाय द वे ये आपको नहीं अच्छा लगता है, तो दूसरा लीजिए, कोई बात नहीं है। इसमें बहुत दिया है फ्री टेम्पलेट, ये भी फ्री है, ये पैड है, देखिए ये फ्री है, तो ये तो फ्री है, ये पैड है, बट क्या है, इससे तो अच्छा यही लगता है, ठीक। तो हम इसको यूज करेंगे, तो इसको कैसे यूज करेंगे। अब बाय द वे आप अगर देखिए, आप यदि बेल्डिंग का काम कर रहे हैं, ठीक, बेल्डर बेल्डिंग वगैरह बनवा रहा है, बेल्डर है, तो इस पे जाइए, और इस पे ये हो गया, ठीक। तो यहाँ से हम इसको क्लिक कर दिए, और ये आ गया, ये तो बेल्डिंग का है ही। यहाँ पे अपना कंपनी का लोगो दे दीजिएगा, और ऊपर यहाँ देने का कोई अथी नहीं। यहाँ पे फिर आप क्या कीजिए, चेंज कर लीजिए। इस प्रकार से कंप्यूटर वाला है, इसी प्रकार से सबको चेंज कर देंगे। चेंज करने के बाद यहाँ पे लोगो है जो अपना लगा देंगे, यहाँ पे वेबसाइट का नाम लिख देंगे, और बाकी जो बेल्डर का काम करता है, तो क्या उसके लिए तो ये अच्छा खासा है। तो इसको डाउनलोड कर लेना है, उसके बाद बन जाएगा। तो बहुत ही ज़्यादा ये वन क्लास का प्रोफेशनल है, बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल है। ऐसा अगर आप फोटोशॉप में बनाइएगा तो बहुत समय लगेगा, ठीक। तो यहाँ पर आप बना लीजिए, क्या है आपका काम से ही ना मतलब है। फिर इसको लेना है तो इसको ले लीजिए, और ये भी एक अच्छा खासा बना हुआ है। इसमें भी क्या कीजिए, आप यहाँ से आइए, इसको लोगो चेंज कर लीजिए, ठीक, लोगो उस प्रकार से ही चेंज कर लीजिए, और यहाँ से नाम चेंज कर लीजिए, यहाँ से मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट, उसके बाद एड्रेस है, उसको एडिट कर लीजिए। और ये पीछे बैक का ये हो गया, तो बैक में भी लोगो लगा के वेबसाइट का, हाँ कुछ जोड़ना चाहते हैं तो यहाँ टेक्स्ट से जोड़ भी सकते हैं। तो इस प्रकार से हो गया। देखिए इसमें बहुत ही ज़्यादा है, ये देखिए एकाध ही पैड है, बाकी सब इसमें अधिकांश है जो फ्री ही है। देखिए इसके बाद जैसा ये जो टेम्पलेट है, इसमें पिक्चर जो लगाना, तो पिक्चर हम लोग किस प्रकार से लगाएंगे, पिक्चर वाला, तो इस पर क्लिक करेंगे। और देखिए क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका अपना पिक्चर जो लगाना है, ये तो आप लोग एडिट कर लीजिएगा। ये जो पिक्चर लगाना है, तो इसके लिए क्या करना है, ये अपलोड पर आना है, और अपलोड पर आने के बाद
देखिए इसमें से अगर कोई पिक्चर हमको लेना है तो इसमें से ले लेंगे, या भाई दूसरा पिक्चर है तो दूसरा पिक्चर ले लेंगे, ठीक, अपलोड से, या फिर लोगो लेना है। जब इसमें हम रखेंगे तो ऑटोमेटिक ये ऐसा अरेंज कर देगा। अब देखिए इस पर क्लिक करके लाएंगे और इस पर ऐसे करके छोड़ दिए। अब देखिए ये ऑटोमेटिक है जो यहाँ पर सेट हो गया। तो यहाँ पर तो आप लोग समझ गए जो किस प्रकार से इसको करना है। डायरेक्ट इसको खींच के ले जाएगा तो उसमें ऑटोमेटिक ये फ्रेम में चला जाएगा। तो यहाँ पर तो देख लिए। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पे और टेम्पलेट दिया हुआ है ब्राउज़र में, ब्राउज़र ऑल टेम्पलेट, तो ये ऑल टेम्पलेट आ जाएगा। यहाँ पे कार्ड से संबंधित है, उसके बाद एक्टर के लिए बनाना हो तो देखिए यहाँ पे ये सब एक्टर के लिए हो गया, ठीक, जो एक्टर सबके बनवाना हो ये हो गया। उसके बाद देखिए आर्टिस्ट जिस प्रकार से ये सब दिया हुआ है उसके नाम अगर इस पर अगर क्लिक कीजिएगा तो उससे संबंधित कैटेगरी के आ जाएगा, जिस कैटेगरी के चुनना हो। बिजनेस कार्ड यहाँ पर क्लीनर, उसके बाद क्रिएटिव, तो ये सारा ये है जो आ गया। और ये जो है क्रिएटिव, तो ये है जो क्रिएटिव वाला है जो थोड़ा ऐसा है कि सभी में चला जाएगा, तो यहाँ से इसको यूज कर सकते हैं। ये भी देखिए ये है जो फ्री है, तो यहाँ से इसको हम उपयोग कर सकते हैं। ये हो गया। इसमें भी क्या है, पकड़ के खींच के लाइएगा, ऐसे कीजिएगा और इसको आप पकड़ के यहाँ से खींच के लाइएगा इसमें, तो डायरेक्ट ये फोटो जैसे यहाँ पर हम लिया है, तो इसमें तो बैकग्राउंड नहीं था इसके कारण ऐसे लग रहा है ये बैकग्राउंड। तो इस प्रकार से इसको आप कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। यदि आप कार्ड बनाना चाहते किसी प्रकार के तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।